हेलो फ्रेंड्स, साई चॉकलेट गैलरी में आप सभी का स्वागत है। आज मैं अपने वीडियो में आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ कि चॉकलेट बनाने के लिए आपको किन किन इक्विपमेंट की जरूरत होती है। अगर आप एक बिगनर हैं या फिर आप चॉकलेट का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या चॉकलेट आप सीखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बेसिक किन चीजों की जरूरत होती है, उसका वीडियो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आएगा, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए यूजफुल होगी। तो चॉकलेट बनाना जब भी हम स्टार्ट करते हैं तो हमें उसके लिए सबसे पहले जरूरत होती है चॉकलेट की। चॉकलेट हमारे पास दो फॉर्म में अवेलेबल होती है, एक तो प्योर चॉकलेट, कवर्चर चॉकलेट या फिर कंपाउंड फॉर्म में। प्योर चॉकलेट तो अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है तो वो मैं आपको नहीं बता पाऊंगी इस वीडियो में, पर आगे मैं आपके साथ कवर्चर चॉकलेट या प्योर चॉकलेट का एक वीडियो जरूर शेयर करूंगी जिसमें उसके बारे में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मैं बताऊंगी। फिलहाल मेरे पास अभी कंपाउंड चॉकलेट अवेलेबल है। कंपाउंड चॉकलेट इस प्रकार के पैक्स में अवेलेबल होती है जिसमें आपको तीन प्रकार की कंपाउंड चॉकलेट मिलती है, व्हाइट चॉकलेट, डार्क चॉकलेट और मिल्क चॉकलेट। इस प्रकार से तीन प्रकार की चॉकलेट मार्केट में अवेलेबल हैं जो कि अलग अलग ब्रांड्स में भी अवेलेबल होती हैं। यहाँ पर ये मॉर्डे ब्रांड का चॉकलेट है और भी अवेलेबल होते हैं मार्केट में, M2M, कॉलेट, अमूल। आप अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग या फिर आपको जैसे भी ब्रांड मार्केट में अवेलेबल होता है आपके नियरेस्ट शॉप पर या फिर कन्फेक्शनरी पर, आप वहां से परचेस कर सकते हैं। ब्रांड आप कोई सा भी यूज कर सकते हैं। चॉकलेट बनाने के लिए आपको चॉकलेट को मेल्ट करने के लिए चाहे आप माइक्रोवेव मेथड यूज करें या फिर आप डबल बॉयलर मेथड यूज करें, आपको इस प्रकार के बाउल्स की जरूरत होती है। मेरे पास यहाँ पर दो प्रकार के बाउल है, एक तो ग्लास का बाउल है, ये माइक्रोवेव सेफ बाउल है, और ये जो प्लास्टिक का बाउल है ये भी माइक्रोवेव सेफ प्लास्टिक है। तो आप कोई सा भी बाउल यूज कर सकते हैं, आप या तो प्लास्टिक का या फिर ग्लास का कोई सा भी बाउल यूज कर सकते हैं, बट मेक श्योर कि दोनों ही बाउल जो दोनों मटेरियल है वो माइक्रोवेव सेफ होना चाहिए। आप चाहे डबल बॉयलर के लिए यूज कर रहे हैं या फिर माइक्रोवेव मेथड यूज कर रहे हैं, दोनों में ही आपको माइक्रोवेव सेफ बाउल्स की जरूरत होगी। इसके बाद आपको इस प्रकार के स्पैचुला की जरूरत होती है। इससे इजीली चॉकलेट आपकी जो है उसे आप स्टर कर सकते हैं और स्क्रैप हो जाती है इजीली, तो इससे जो आपका चॉकलेट है वो वेस्ट नहीं होता है। तो ये भी मार्केट में इजीली अवेलेबल है। जब आप चॉकलेट बनाना सीखते हैं तो कभी कभी आपको मेजरमेंट का भी जरूरत पड़ती है या मेजर करके भी आपको चॉकलेट या फिर कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो उसमें डालने होते हैं तो वो मेजर करके डालने पड़ते हैं, या फिर एसेंस आप डालना चाहते हैं तो वो भी मेजर करना पड़ते हैं। तो इसके लिए इस प्रकार के मेजरिंग कप्स और मेजरिंग स्पून अवेलेबल होते हैं मार्केट में, इनकी भी आपको जरूरत पड़ सकती है। नेक्स्ट, जब आप चॉकलेट बनाते हैं तो हम अलग अलग टाइप के अलग अलग फ्लेवर्स की चॉकलेट बनाते हैं। धीरे धीरे जब आप आगे चॉकलेट्स बनाना सीखते हैं तो आपको अलग अलग फ्लेवर्स ट्राई करने होते हैं, बनाने होते हैं, तो उसके लिए आपको फ्लेवर्स की जरूरत होती है, एसेंस की जरूरत होती है। नेचुरल फ्लेवर्स के अलावा आपको एसेंस भी डालना पड़ता है, तो इस प्रकार के एसेंस आप यूज कर सकते हैं। आप किसी भी ब्रांड का यूज कर सकते हैं, नंदी ब्रांड है, फेब है, मेरे पास यहाँ पर फेब के अवेलेबल हैं ब्रांड्स, फेब के अवेलेबल हैं एसेंस, तो आपने इस प्रकार के एसेंस आपको यूज करने होंगे। एसेंस जो भी आप यूज करें वो ऑयल बेस्ड होना चाहिए, वाटर बेस्ड एसेंस चॉकलेट में आप यूज नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कभी कभी कलर्स भी यूज करने होते हैं चॉकलेट में डालने के लिए, इस प्रकार के पाउडर कलर्स या फिर जेल कलर्स आपको यूज करना होता है। जेल कलर अगर आप यूज कर रहे हैं चॉकलेट में तो वो भी ऑयल बेस्ड होना चाहिए, वाटर बेस्ड नहीं होना चाहिए, और पाउडर कलर चॉकलेट के लिए बहुत अच्छा होता है, अच्छा माना जाता है, तो आप कोशिश करें कि आप पाउडर कलर ही चॉकलेट में यूज करें। तो इस प्रकार के पाउडर फॉर्म में और जेल कलर, जेल फॉर्म में भी हमारे पास कलर होते हैं अवेलेबल। आप अपने चॉइस या अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग इन्हें यूज कर सकते हैं। अब चॉकलेट बनाने के बाद आपको जरूरत पड़ती है मोल्ड्स की चॉकलेट, क्योंकि आप जब भी बनाते हैं तो उन्हें आपको कोई शेप में देना होता है, तो इसके लिए आपको मोल्ड्स की जरूरत पड़ती है। इस प्रकार के सिलिकॉन मोल्ड्स अवेलेबल होते हैं मार्केट में,
तो आप किसी भी शेप के हार्ट शेप, बार शेप, इस प्रकार के शेप्स के मोल्ड आप यूज कर सकते हैं, या फिर आप प्लास्टिक के जो मोल्ड्स होते हैं वो भी बहुत इजीली अवेलेबल होते हैं मार्केट में, 45 और 50 रुपीज तक ये आपको मिल जाते हैं। तो इस प्रकार के आप कैंडी शेप में, डायमंड शेप, हार्ट शेप, स्क्वायर शेप, जो भी आपको अच्छे लगते हैं, जो भी आपको पसंद हो, आप उस शेप के मोल्ड परचेस कर सकते हैं। अब चॉकलेट बनाने के बाद आपको उन्हें रैप करना होता है, पैकिंग करनी होती है, एक अच्छी सी पैकिंग देनी होती है। तो उस पैकिंग के लिए मार्केट में फॉइल्स अवेलेबल होती हैं पैकिंग करने के लिए। तो इस प्रकार की फॉइल्स कटिंग में अवेलेबल होती हैं, जो ऑलरेडी स्क्वायर शेप में कट की हुई होती हैं। आपको इन्हें कुछ भी नहीं करना होता है, इसमें बस आपको चॉकलेट रैप करनी होती है, ऑलरेडी ये कट की हुई होती है। अगर आप कट की हुई रैपिंग नहीं चाहते हैं तो इस प्रकार की शीट्स भी अवेलेबल होती है मार्केट में, तो आप ये शीट भी परचेस कर सकते हैं। अलग अलग कलर्स में, डिजाइंस में, प्लेन में, प्लेन पेपर में भी ये अवेलेबल होती हैं। तो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई सी भी रैपिंग पेपर जो है वो यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप चॉकलेट बनाना स्टार्ट करें या आप बिगनर्स हैं, तो आपके पास ये बेसिक टूल्स होना बहुत जरूरी होते हैं चॉकलेट के लिए। आई होप आपको ये मेरा वीडियो या ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और मेरे चैनल साईं चॉकलेट गैलरी को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।